हम बात कर रहे हैं ONGC की। आज के दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% तक की गिरावट के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। ONGC में गिरावट का सिलसिला जो है हमको कंटिन्यू होते नज़र आ रहा है, लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। जंप स्टॉक बता रहा है, लेकिन जंप पर कहीं पर भी स्टॉक ना अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट कर रहा है और ना ही सस्टेन होता नज़र आ रहा है। सेलिंग प्रेशर लगातार बना हुआ है। ONGC ही नहीं, अक्सर स्टॉक में हमको पूरे मार्केट में ही गिरावट देखने के लिए मिले, दबाकर FIIs जो सेलिंग करते हैं हमको नज़र आ रहे हैं, मार्केट को रोज़ बरोज ठोकते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं ONGC ने ऑलमोस्ट 340 के लेवल से रिजेक्शन लिया और उसके बाद गिरावट ही देखने के लिए मिली। 340 के लेवल से लगातार गिरावट में नज़र आ रहा है। तो इससे पहले बड़ी गिरावट के साथ सपोर्ट कहाँ लिया था हम देख सकते हैं, जब 280 के आसपास से रिजेक्शन लिया था, 274 ऑलमोस्ट है लेवल, यहाँ से रिजेक्शन लिया था तो सपोर्ट कहाँ लिया था, 220 के लेवल पर। तो अब अगर ब्रेकडाउन करता है और गिरावट आती है तो 240 नीचे की ओर इमीडिएट सपोर्ट है, तगड़ा सपोर्ट, हम मेजर सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तगड़े सपोर्ट की, और इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो 220 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है, फिर इसके आसपास से खेल के पलटने के चांस बनेंगे। और सेलिंग प्रेशर देखिए दोस्तों, यहाँ हमें 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर इस वक्त एनालाइज कर रहे हैं, 4 घंटे का एक कैंडल जो है 4 घंटे को दर्शा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, इस हिसाब से 240 का लेवल भी ब्रेकडाउन कर सकता है, 220 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन अगर रिकवरी आती है 240 के आसपास से स्टॉक बाउंस बैक कर जाता है तो एटलीस्ट स्टॉक को 260 का जो लेवल है जहां सपोर्ट लिया था, 260 का लेवल यहां तक का जम दिखा सकता है और एटलीस्ट इस लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 से 4 दिन सस्टेन होना पड़ेगा। सिर्फ ब्रेकआउट से और एक आध दिन का काम करने से नहीं चलेगा, 3 से 4 दिन सस्टेन होना पड़ेगा। अगर ये सिनारियो हमको नज़र आता है ONGC में तो फिर आप साइट में अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।